रहीम, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चैप्टर नंबर 5 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक हम इसको डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द सम ऑफ टू टर्म्स व्हिच इज डिनोटेड बाय जी इक्वल्स एक्स प्लस जीरो टू वाई। एक्स रियल पार्ट है और वाई इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको पता है कि एक्स और वाई जब हम प्लेन बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में x को हम r cosine of theta और y को हम r sine of theta देते हैं। तो फिर अगर आप z को लिखेंगे तो z is equal to x plus y into y r cos of theta plus y into r sine of theta। r को कॉमन ले लें, r cos theta plus y into sine of theta r e raised power y into theta। यहाँ पे e raised power y into theta को आप देख सकते हैं कि e raised power y into theta basically किसके बराबर होता है? You know it well. दिस इज इन फैक्ट अगर आपके पास हो e raised power x तो दैट कैन बी रिटन एज e की पावर x कैन बी रिटन एज x पावर n और n फैक्टोरियल समीशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी। तो इसके अब अगर आप x को iota theta करते हैं तो दैट विल बिकम e raised summation n starting from 0 to infinity iota theta power n over n factorial। अगर इसको expand करें 1 plus iota theta minus theta square root 2 factorial plus iota theta cube over 3 factorial minus iota 4 theta 4 over 4 factorial so on। अब इसमें आप देखेंगे कि जो odd terms हैं उनके साथ iota आएगा, जो even terms हैं उनमें iota खत्म होता है। तो अगर इस तरह आयोटे वाली टर्म्स को मीन रियल को और इमेजिनरी को अलग-अलग करें तो दैट विल बिकम द मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। तो ये स्क्वायर ऑफ थीटा बेसिकली इसलिए कॉस ऑफ थीटा प्लस रूट ऑफ साइन ऑफ थीटा बन जाता है। तो डी मोरिस थ्योरम भी आपको जानते हैं कि ये स्क्वायर ऑफ थीटा है और इसके अगर आप पावर एन थीटा कर दें तो दैट विल बिकम कॉस ऑफ एन थीटा प्लस रूट ऑफ साइन ऑफ एन थीटा। नीचे डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी, ये हुई एबिनिशियो मेथड की डेफिनेशन लिखी हुई है। एडिंग इंक्रीमेंट, सब्ट्रैक्टिंग द फंक्शन, डिवाइडिंग बाय द इंक्रीमेंट एंड अप्लाइंग द लिमिट, ये चार स्टेप होते हैं। चारों स्टेप जब आप ले जाते हैं तो ये आपके पास बन जाता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो रमन कॉशी रमन कंडीशन है। कॉशी रमन कंडीशन के लिए जरूरी है कि अगर आप एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट करता है तो फिर ये जरूरी है उसके लिए कि derivative of real part with respect to x must be equal to derivative of imaginary part with respect to y. Similarly, the derivative of a real part with respect to y must be equal to negative of derivative of imaginary part with respect to x. Means partial u over partial x equals partial v over partial y and partial u over partial y equals minus partial v over partial z. z अगर आपके पास x plus root of y है तो del z increment add किया, इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद सबट्रैक्ट किया एफ ऑफ जी को, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉशी रमन कंडीशन खुद ब खुद आ जाती है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एज यू कैन सी ओवर हियर एट द एंड यू कैन यू हैव यू ऑफ एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स वी वाई डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली यू वाई डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड माइनस वी एस द वी एक्स derivative of v with respect to x and so on. अब analytical function, यहाँ पे function define तो किया गया है लेकिन complete नहीं है, इसको complete आपने खुद कर दिया है कि अगर आपके पास कोई function f of z differentiable है at any point z is equal to z naught and around a small region around z naught and CR conditions are satisfied. ये नहीं लिखा हो आपने, लिख लेना है CR conditions satisfied हो, function differentiable continuous हो तो analytical होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर एनालिटिकल है तो जी स्क्वायर की वैल्यू नीचे की वन है, जी एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, इसका स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई। इसमें रियल पार्ट यू है, इमेजिनरी पार्ट वी है जो कि यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वी टू एक्स वाई है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर इनको कंपेयर करेंगे तो अगर पार्शियल यू पार्शियल एक्स पार्शियल वी और पार्शियल वाई के बराबर है, यू कैन सी दैट वो भी 2x है, वो भी 2x है। सिमिलरली पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई माइनस 2y है,
पार्शियल वी और पार्शियल एक्स 2i है तो नेगेटिव का फर्क है, नेगेटिव आना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये फंक्शन f of z is equal to z square is analytical. इसी तरह एक और एग्जांपल भी f of z is equal to z star वो की हुई है, आप देखेंगे उसमें भी आप चेक कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट है कि कॉची रमन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो डेरिवेटिव भी होगा. तो इसके लिए आपने करने हैं f of z is equal to u of xy plus delta v of xy, इसको ही चार स्टेप में डिफरेंशिएट करें, एडिंग इंक्रीमेंट या पार्शियल डेरिवेटिव ले लें. पार्शियल डेरिवेटिव में डेन f of z कैलकुलस अप्लाई की गई है, पार्शियल और पार्शियल x plus delta पार्शियल v और पार्शियल z डेन x plus पार्शियल और पार्शियल y plus delta पार्शियल v और पार्शियल y डेन y, ये कैलकुलस का फार्मूला है. डेल z डिवाइड कर दिया दोनों साइडों पे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो डेल जी रखा, राइट हैंड साइड पे जी की बजाय डेल एक्स या पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई. लिमिट अप्लाई की, कॉमन लिया, सीआर कंडीशन लगाई, तो आपके पास अल्टीमेटली जो रिजल्ट बनता है वो बनता है कि एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, ये रिजल्ट आता है. तो ये शो करता है कि ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिफरेंशिएट हो गया, अल्टीमेटली डिफरेंशिएबल है. इसी तरह तो पोलर फॉर्म के लिए आपने ये इक्वेशन लेनी है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वी ऑफ वाई एफ ऑफ आर ई रेज़ बाय डेल्टा थीटा. एक दफा इसको आर के लिहाज से और एक दफा इसको थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, और यू विल गेट पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा इक्वल्स माइनस आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, and partial u over partial r equals 1 over r partial v over partial theta. तो ये काशी-रमन conditions होंगे with respect to polar coordinates, polar coordinates.